हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रंगीन फ्लावर है। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो रंगीन फ्लावर है उसको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसको कैसे केयर करेंगे और कैसे ग्रो होता है उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड, उसको हम लोग रंगीन फ्लावर कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड, इस तरह का फ्लावर है और सालों भर तक भरा रहता है। मैं नीचे भी लगाया हूँ, अभी मैं पॉट में मतलब बड़ा सा डब्बा में लगाया हूँ, और इस तरह का फूल होता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप जो देख रहे हो नीचे लगाया हूँ और बहुत सारे फूल होता है, सालों भर तक होता है। और ये उसका सीड्स है, मतलब उसी से ही फूल निकलता है, और कई सारे नीचे गिर जाता है और वहीं से ही फूल पौधा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे फूल है, सालों भर तक भरा रहता है, और तो उसको इतना केयर करने की ज़रूरत नहीं है, और नॉर्मल मिट्टी से हो जाता है। और अभी मैं आपको जो खींच के दिखा रहा हूँ, इस तरह का स्टिक, इस मोटा वाला स्टिक को अगर आपको कटिंग करके भी आप लगा सकते हो। मैंने कभी लगाया नहीं, और हार्मोन लगा के लगा सकते हो। और देखिए, और मेरे पास और एक येलो कलर का भी है, और ये उसका इस तरह का फ्लावर है येलो कलर का। और ये भी फ्रेंड्स, ये भी सालों भर तक भरा रहता है, ये उसका उसी से ही ब्लूमिंग होता है फ्लावर। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे बड़ा सा डब्बा में पॉटिंग करके, बहुत ही बड़ा होता है इसीलिए मैं बड़ा सा डब्बा लिया हूँ, और मैंने ग्रसरी दुकान से कलेक्ट कर लिया था। और इसमें ज़्यादातर इसी डब्बे में घी होता है, तो मैंने कटिंग करके इस तरह का नॉर्मल मिट्टी भर दिया हूँ। इसमें इतना खाद देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप खाद देंगे भी तो अच्छा है, अच्छा मतलब फूल भी होगा। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए, ये उसका बीज है, उसी से ही फूल होता है। ये मैंने भी कलेक्ट कर लिया था, इस तरह का सीड है, उसी से ब्लूमिंग होता है, फ्लावर होता है, और इसी से भी पौधा हो जाता है, और कई सारे नीचे गिर के फिर पौधा हो जाता है। तो मैंने एक ले आया हूँ, तो अभी आपको दिखाऊँगा तो कैसे उसको पॉटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी को मैं अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रूट है, और अभी मैं नॉर्मल मिट्टी में लगा रहा हूँ, और इतना खाद देने की ज़रूरत नहीं है। लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, और अच्छा भी ग्रो भी होगा और फ्लावर भी होगा। और मैं थोड़ा बारिश होता रहता है इसीलिए थोड़ा मिट्टी भी गीला है, और इसीलिए मैं उसको इस तरह का हल्का कर रहा हूँ, और उसको अच्छी तरह से लगा देता हूँ। बस बीच बीच में पानी देना है, और सालों भर तक भरा रहता है, बहुत ही बढ़िया रंगीन फ्लावर है। थोड़ा सा पानी दे रहा हूँ और सालों भर तक फूल भरा रहता है, और मैंने इसी डब्बे में लगा रहा हूँ, छत पे लगाया हूँ उसको, और नीचे तो है आपको दिखाया। तब फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए, थोड़ी सी भी पसंद है, तो लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी तरह फिर आपको गार्डनिंग के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।